हम इस वीडियो में तीन तरह का ट्रांसलेशन देंगे, तीन तरह का, जो कि हमें ट्रांसलेशन बनाने के भी काम आएगा और स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा, अंग्रेजी बोलने में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर कहना होगा चाय गर्म है, पानी गर्म है, दूध गर्म है, तो कैसे बोलेंगे? चाय गर्म है, द टी इज, द टी इज, द टी इज, द टी इज हॉट। द इसलिए लगा कि खास बात है, पानी गर्म है, द वाटर इज हॉट, दूध गर्म है, द मिल्क इज हॉट, खास की बात है ना। देखिए, द वाटर इज हॉट, दूध गर्म है, द मिल्क इज हॉट। अब यहाँ आइए, चाय ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, दूध ठंडा हो रहा है, तो ये गेटिंग का यूज करते हैं। देखिए कैसे, द टी इज गेटिंग कोल्ड, क्लियर, द टी इज गेटिंग कोल्ड, समझिए। हम यहां बता रहे हैं, देखिए यहां पे, ए बाबू देखिए यहां बता रहे हैं, यहां पे दूध ठंडा हो रहा है, तो द मिल्क इज गेटिंग कोल्ड, दूध ठंडा हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है, द मिल्क इज गेटिंग हॉट, दूध गर्म हो रहा है, द मिल्क इज गेटिंग हॉट, ये हॉट लगा देना, पानी ठंडा हो रहा है, द वाटर इज गेटिंग कोल्ड। इधर के नहीं समझ लो, नहीं बना लोगे आप, जरूर बनाना कॉपी में लिख लिख के घर पे, ठीक है ना। आप लोग जरूर बनाइए कॉपी में लिख के, आपको समझ में आएगा। आगे देखो, अगर स्पोकन में बोलना होगा कि चाय ठंडा हो गया, पानी गर्म हो गया, तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? ट्रांसलेशन भी है, स्पोकन भी है। चाय, द टी गॉट, ठंडा हो गया, गॉट कोल्ड, बोलेंगे ना। बोलिए, चाय ठंडा हो गया, द टी गॉट कोल्ड, पानी गर्म हो गया, बोलिए द वाटर गॉट हॉट, बोलिए कपड़ा गीला हो गया, कपड़ा गीला हो गया, कपड़ा, देखिए द क्लॉथ सी एल ओ टी एच ई, यहाँ पे एस भी होता है, ऊ कब ई कब, ये अगला वीडियो में देंगे डीप में। द क्लॉथ गॉट वेट, वेट मने गीला, वेट गॉट मने हो गया, वेट मने गीला, शर्ट गीला हो गया, द शर्ट गॉट वेट, पैंट गीला हो गया, द पैंट गॉट वेट, क्लियर। तो ये गॉट का यूज करना, बताओ आप लोग, पुस्तक गीली हो गई, बोलो, कॉपी गीला हो गया, कॉपी में पानी गिर गया तो गीला हो गया, द कॉपी गॉट वेट, गीला हो गया। नहीं समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात सुनिए, ये जरूर से जरूर कॉपी में लिखिएगा, लिख के बनाइएगा, और भी एग्जांपल अपने से ले लेके, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।